सरल स्वभावी, वाणी में माधुर्य, ईमानदार छवि, अति अनुशासित व्यक्तित्व के रूप में लोकप्रिय, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में रत, अनेक संस्थाओं के उच्च पदों पर आसीन प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री प्रदीप जिंदल जी, फर्म जिंदल ओवरसीज कॉरपोरेशन। आप दालों के थोक विक्रेता, इंपोर्टर एवं एक्सपोर्टर हैं। आपकी फर्म सन 1986 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत है। अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत अमर ज्योति डायरेक्टरी एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमानमल जैन गोलछा आपको अग्ररत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। आदरणीय व्यापारी भाइयों से हनुमानमल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। व्यापारी भाइयों, आज मैं ऐसे शख्सियत से, ऐसे महापुरुष से, ऐसे महान व्यक्ति से आपका परिचय करवा रहा हूँ और साक्षात कर रहा हूँ। मैं अपने आपको बड़ा गर्व हो रहा है। गर्व इसलिए हो रहा है, इनको मैंने बचपन से देखा है। बचपन से मैं इनके पिताश्री का, जो मेरे पर वर्द हस्त मेरा ऊपर रहा, उनके ही सुपुत्र है। आप हैं श्री प्रदीप जिंदल, सुपुत्र लाला फकीरचंद जी, और इन्होंने जैसे लाला फकीरचंद जी का स्नेह मेरे पर था, इनका भी मेरा स्नेह इनके ऊपर बड़ा बढ़ रहा। हालांकि चार पांच भाई हैं, भाइयों में से सबसे ज़्यादा इनके प्रति मेरा ज़्यादा लगाव था और इनका भी मेरे प्रति रहा। जब भी लाला कहते हैं भाई, तो प्रदीप के पास जाता है, चाहे धारी सुन हो चाहे नया बाजार हो, वो उनकी वो समझ रहता था। आज भी याद है, आज समितियों के, संस्थाओं के काफ़ी पदों को सुशोभित कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति से मैं आज आपका साक्षात करा रहा हूँ। प्रदीप बाबू जी, हाँ जी, हनुमान जी, क्या हाल है? बहुत दिन बाद देखने को मिला है। आज आप बहुत काफ़ी व्यस्त रहते हो बाबू जी, मैं, मुझे पता है। हालांकि मैं बाबू जी आपसे, मैंने कहा आप हमेशा टोकते हो, कह रहे मैं तो प्रदीप हूँ भाई। आपने अपने सामने जो तरक्की करी है, आज मेरे आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो बाबू जी, व्यापारी भाइयों को बताना शुरू, बताइए उनको आपने कब से शुरू किया, कैसे रहा, किस तरह आगे बढ़े, राज के हम तक पहुँचे हैं, ये व्यापारी भाइयों को बताने की कृपा करें। मुझे भी अच्छा लगेगा आपसे सुन करके कि मेरा प्रदीप बाबू जी कहाँ से कहाँ बाबू जी बढ़े। मैं जब 1986 में आया था इस व्यापार में, तो हम तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए थे, तो हमें तो इंग्लिश ही नहीं आती थी। तो जब मैं आया, पहले दिन जब इंग्लिश में कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ा, तो मैंने अपने आप को एकदम ब्लाइंड आदमी की तरह महसूस किया। तो मैंने फिर महसूस किया कि एक तरफ तो कोई बात नहीं, बचपन अच्छा खेला है तो अच्छा गुजारा है, तो आप बिजनेस में आ गए, तो सबसे पहले मेरा टारगेट था इंग्लिश सीखना। तो मेरा इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का बड़ा सहयोग रहा। उन लोगों को हिंदी नहीं आती थी, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, तो उन्होंने मेरे को इंग्लिश सिखाई। और 1986 से मैं इस व्यापार में, जब मैं एंटर किया, तो मेरे पिताजी का तो कहने क्या है, वो तो एक महान शख्सियत थी, महान शख्सियत थे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। और हमने अपने पिताजी से सबसे बड़ी बात सीखी कि व्यापार में कितना ही उतार हो, कितना ही चढ़ाव हो जाए, कितना ही मार्केट ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, अपनी जवान से, अपने व्यवहार से और अपने कर्म से और अपनी सोच से और अपने डिसीजन से किसी से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कल नुकसान हुआ तो आज प्रॉफिट भी होगा, और कभी भी अपनी जवान से और व्यवहार से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो उनकी डेथ 22 जून 2014 में हुई थी, और हमारे लिए तो सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि यही रहेगी कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम चलें और कभी भी उनका नाम नीचे नहीं होने दें। भाई वफरी भाई, देखा आपने, प्रदीप भाव जी सुना आपने, आज भी पिताजी को समर्पण करते हुए सारा काम करते हैं, उसी परचनों पर चल रहे हैं। कभी भी इनका अहंकार घमंड वैसे नहीं, जैसा लाला फकीरचंद जी का था वैसा ही स्वभाव इनके ऊपर बोलता है। ये एक ही उद्देश्य रहता है कि हनुमान जी व्यापार चढ़ा उतरना चढ़ा चलता रहता है, बाकी अपने को व्यवहार को, अपनी बात को पिताजी की तरह मुझे अपना चलता रहे, मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और मैं इनको शुभकामना के आशीर्वाद भी दे सकता हूँ कि लाला फकीरचंद के टाइम का मैं हूँ, तो मैं आशीर्वाद भी दे सकता हूँ कि प्रदीप बाबू इसी तरह आगे आगे बढ़ते रहे, यही सोच आपकी बरकरार रहे, इसी शुभकामना के साथ जय जिंदल बाबू जी, नमस्कार। जय जिंदल बाबू, नमस्कार, नमस्कार, आशीर्वाद के लिए धन्यवाद।